नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएन न्यूज़, मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। बुलेटिन में खबर की तरफ रुख करते हैं और बताते हैं कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने काम से अपनी पहचान बनाने वाले पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता संजय पवार 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बता दें कि ये सेवानिवृत्त होने के पहले एमकेएन सैटेलाइट न्यूज चैनल की ओर से उनको सत्कार के लिए आमंत्रित किया गया और चैनल में उनका गुलदस्ता और शॉल देकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। वहीं एमकेएन न्यूज के मुख्य संपादक मुनीर शेख से भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं चैनल के संपादक मुनीर शेख ने संजय पवार के विकास कार्यों की जमकर सराहना की और कहा कि संजय पवार जी बड़े ईमानदार और सेवाभावी हैं। काम करने में लगन और अनेक परियोजनाओं और को पूरा उन्होंने किया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि योजनाओं को समाज की ज़रूरतों को ज़रूरतमंदों तक उनके हिसाब से पहुंचाने का काम किया है। जनता और सरकार के बीच की कड़ी बनकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। सेवा पूर्ति समारोह में मेरे सम्माननीय मित्र इंजीनियर संजय जी पवार साहब, इनके बारे में और क्या कहना चाहिए। संजय जी पवार जी की शुरुआत शासकीय सेवा में जिसे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हुई, सेवा पूर्ति भी इसे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी सचोटी और लगन से इन्होंने महाराष्ट्र की पीडब्ल्यूडी और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय विकास में और क्षेत्रीय विकास में बहुत योगदान दिया। लोक सेवक, जन सेवक, इनको शासन की विविध योजना किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है इस पर मार्गदर्शन और सहयोग और उस योजना का कार्यान्वित होने पर समाज हित में कितने प्रतिशत उसका फायदा होता है, ये उन्होंने अपनी कामों में से अपनी कार्य कुशलता से यहां महाराष्ट्र की भूमि पर महाराष्ट्र के विकास में योगदान दिया है। सच इंजीनियर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन शासकीय सेवा में इंजीनियरों पर कोई क्लेम्स होता है, इंजीनियर की लोकप्रियता कम होती है। लेकिन संजय जी के बारे में मैं खुशी से कहूंगा, बड़े गर्व से कहूंगा, मुझे फख्र है मेरे मित्र के पर कि संजय जी इनके पर कोई क्लेम नहीं था। बड़ी आदरता से, बड़ी नम्रता से लोग आज भी संजय जी का रिस्पेक्ट करते हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में भी रिस्पेक्ट करेंगे। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट, गुना डिस्ट्रिक्ट में संजय जी के कामों की सराहना होती है। खासकर शासन के रहनुमा ने, लोक सेवक और जनसेवकों ने भी बड़ी सराहना की है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मित्र 30 तारीख को सेवा पूर्ति कर रहे हैं, शासन की सेवा में से निवृत्त हो रहे हैं। बहुत अच्छा सहयोग और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में इनका सहयोग है, हमें खुशी है इस बात की। और संजय जी का आगे का फ्यूचर भी ब्राइट हो, इसी तरह समाज की और समाज के निचले कुचले वर्ग की सेवा वो करते रहे और उनको सेकंड इनिंग के लिए हमारी एमके न्यूज की तरफ से और खासकर मेरी तरफ से मेरे मित्र को शुभकामनाएं। बता दें कि वो पूरे अहमदनगर जिले में काफी लोकप्रिय अधिकारी रह चुके हैं। जिले के विकास में उनका भारी योगदान रहा है। उन्होंने अहमदनगर के जिला मजिस्ट्रेट की बहुमंजिला इमारत और अहमदनगर रिंग रोड बनाने का काम सफलतापूर्वक किया है। बता दें कि ये काम उनका सबसे आइकॉनिक काम भी रहा है और जिससे राज्य में मॉडल के रूप में उनको जाना जाता है। उनकी सेवा के लिए जिलावासी हमेशा आभारी रहेंगे। वहीं न्यूज चैनल में उन्होंने भी अपने कार्यकाल और अनुभव को साझा किया है। बता दें कि संजय पवार के अपने कार्यकाल का रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग रहा है और जनता के बहुत ही चहेते अधिकारी वो रहे हैं। बता दें कि साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत और लगन से काम किया है। बता दें कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग के तारे तो साबित हुए ही हैं बल्कि वो जनता के लिए भी एक मसीहा बनकर उभरे हैं। आशा करते हैं कि अपने जीवन की पारी, अगली पारी वो सुखमय तरीके से यापन करें। मैं संजय पवार, कार्यकारी अभियंता, अभी मेरी सेवा पूर्ता 31 मई को कर रहा हूँ। उसी माध्यम से आज हमारे दोस्त मुनीर भाई से उन्होंने मुझे आज बुलाया स्टूडियो में और सम्मानित किया, उसका मैं
उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो बताया वो सही है। मेरे पिछले 37 ईयर से मैं पिडौड़ी में, महाराष्ट्र पिडौड़ी में कार्यरत हूँ। मैं अहमदनगर जिले का ही रहवासी हूँ और मेरी 37 ईयर में 35 ईयर जो सेवा हुई है पिडौड़ी में, जो अहमदनगर जिले में हुई है। 1985 से मैंने जेई से काम शुरू किया और आज 22 में 37 ईयर में से 35 ईयर मैंने अहमदनगर जिले में काम किया। जेई से डेप्यूटी इंजीनियर हो गया, डेप्यूटी इंजीनियर से एक इंजीनियर हो गया। पिडौड़ी के जैसे अभी भाई ने बताया, जो जो मैंने काम किए, सब लोगों की जो दर्द है, जो लोगों की जो प्रॉब्लम है, वो सब सुनकर वो हिसाब से रास्ते का काम हो, ब्रिज का काम हो, इमारत का काम हो, वो सब पिडौड़ी के जो जो काम है और जो जो एक्टिविटी है, पिडौड़ी बोले तो सब एक्टिविटी में आगे रहता है। महाराष्ट्र पिडौड़ी एक बहुत दर्जेदार हमारे डिपार्टमेंट है, उसका फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी जो उन्होंने सम्मान दिया और अभी जो उन्होंने बात कही कि लोकल पब्लिक हो या पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, उनकी जरूरत है और डिपार्टमेंट को जो चाहिए, उस हिसाब से मैंने 37 ईयर मैंने काम किया पिडौड़ी में। मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे ख्याल से हमारा एक नगर बाईपास था जो 39-40 किलोमीटर है, वो मेरा ज्यादातर वो अहम काम करना चाहिए। और दूसरा, अभी दिसंबर में कि अभी मैसूर की जो इमारत हुई, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिल्डिंग जो हुई अहमदनगर की, 6 बिल्डिंग है, 55 कोटी की बिल्डिंग है, वो महाराष्ट्र के रेवेन्यू का वो पूरा आइकॉन बिल्डिंग है। ये दो काम मैं ज्यादातर बोल सकता हूँ। वैसे बहुत काम किए है रस्ते के हो, ब्रिज के हो और बिल्डिंग के हो, लेकिन ये जो दो काम हुए, एक नगर बाईपास जो है 40 किलोमीटर का, वो मेरे हाथ से बहुत मेहनत से काम किया और आगे वो सफल हो गया और वो नेशनल हाईवे बन के अभी उसको फोर लेन हो रहा है। और दूसरा, मैसूर की जो बिल्डिंग आगे बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिल्डिंग जो है, वो 55 कोटी की बिल्डिंग जो है, आप कभी भी जाके देखिए, बहुत आइकॉन बिल्डिंग हुआ है। महाराष्ट्र का नाम मैसूर डिपार्टमेंट का एक आइकॉन बिल्डिंग हुआ है। मुझे गर्व है कि मैंने ये दो बड़े काम मेरे नगर डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में किए है, बाकी बहुत सारे काम है। 31 मई को मैं रिटायर हो रहा हूँ। मुझे आज यह कि मेरे दोस्त जो मेरा 30 साल से मेरे संबंध है, दोस्त है, आज वो बहुत बड़े चैनल और कार के है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे आज नम्रता से दोस्ती का ये वायदा रखी, उन्होंने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, इसलिए मैं मेरे परिवार से उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।